बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज़। आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि वसीम अकरम का शदीद रद्द अमल। जब ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले पाकिस्तान प्लेइंग 11 को गलत दिखाया। 2022 के एशिया कप में पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया, ब्रॉडकास्टर की गलती ने पाकिस्तान के लेजेंड वसीम अकरम को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुकाबले से पहले गुस्से में डाल दिया। इतवार को दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले एशिया कप के मुकाबले से कबल ब्रॉडकास्टर्स की एक गलती ने पाकिस्तानी लेजेंड वसीम अकरम को भड़का दिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम, जो टूर्नामेंट के लिए बतौर प्रेजेंटेटर काम कर रहे हैं, इस वक्त गुस्से में आ गए जब टॉस के बाद ब्रॉडकास्टर की जानिब से उन्हें पेश की गई प्लेइंग 11 में तेज़ गेंदबाज शाहनवाज दहानी शामिल नहीं थे। अकरम ने कहा कि उनकी पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि दहानी खेल रहे हैं। उलझन दूर हो गई और उन्हें सही प्लेइंग 11 दिया गया जिसमें दहानी भी शामिल था, लेकिन अकरम एक बड़े मैच में गलती पर तनकीद करते हुए अपना गुस्सा काबू में ना रख सके। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला किया था। ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।